आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। पवित्र रमज़ान, मुस्लिम समुदाय के अंदर जो है पवित्र रमज़ान की यहाँ पर बहुत सारे लोग जिस प्रकार से सोलापुर शहर के अंदर किदवाई चौक की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 2 सालों से कोरोना काल के चलते बहुत सारे लोगों ने जो है बड़े बाज़ार नहीं लगने के कारण जो है लोग घरों में ही रोज़े का इंतज़ाम किया करते थे, लेकिन इस साल जो है महाराष्ट्र सरकार कोरोना के सारे नियमों को निकालने के बाद आज यहाँ पर काफ़ी चहल पहल मार्केटों में देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है रोज़े के लिए बहुत सारे लोग फ्रूट्स हो, डेट्स हो, खजूर हो, बहुत सारे जो है तली हुई चीज़ें हो, ये चीज़ों का सेवन जो है वो आज शाम इफ्तार के रोज़ किया करते हैं। रोज़ा जो है ये इस्लाम धर्म का तीसरा रुकन माना जाता है। जिस प्रकार से इस्लाम धर्म में 5 रुकन इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं तो रोज़ा उसमें तीसरा है। रोज़े के अंदर ये लोग जो है मुस्लिम समुदाय सुबह में उठकर सहरी करता है और शाम में सूरज डूबने के फौरन बाद जो है ये लोग रोज़ा खोल देते हैं, और रोज़ा खोलने के वास्ते जो है बाज़ारों से काफ़ी कुछ ये लोग खाने के लिए ले जाते हैं, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी तली हुई चीज़ें होते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, ये लोग जो है रोज़ा छोड़कर अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए जो है अमन अमान की दुआ करते हैं। कैमरा पर्सन सालिक पटेल के साथ मैं आकिब मड़की, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए।